वेलकम फ्रेंड्स टू दिस वीक्स मार्केट आउटलुक। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां हमें एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिला, जहां डाउ जोन्स मोर ऑर लेस में एक फ्लैट क्लोजिंग हम लोगों ने देखी, वहीं S&P 500 में 0.64% की गिरावट देखी गई और नैस्टैक में करीब 0.56% की गिरावट हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखी। मेजर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जैसे एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, इन सब में पिछले हफ्ते 3% से 5% की गिरावट हम लोगों ने देखी और जो CBOE VIX है, जिसे वोलेटिलिटी फैक्टर या फियर फैक्टर कहते हैं, उसमें भी एक 1.5% की हम लोगों ने गिरावट देखी। लेकिन जो CBOE VIX में जो गिरावट है वो एक अच्छी बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर जो सेंटिमेंट्स है वो दिखाता है कि वो नॉर्मल है या वो फियरफुल नहीं है, वो डरा हुआ नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव साइन डेफिनेटली है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूँ तो यूरोपियन मार्केट्स में भी हम लोगों ने एक गिरावट देखी। लास्ट वीक यूरो स्टॉक्स 50, जो यूरोप का मेजर बेंचमार्क इंडेक्स है, उसमें करीब 1% की हम लोगों ने गिरावट देखी। जर्मनी के डैक्स में 0.66% की गिरावट रही। ब्रिटेन के फुटसी में करीब 0.42% की गिरावट रही और फ्रांस के कैक 40 में 1.11% की गिरावट रही। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स में भी हम लोगों ने सेलिंग प्रेशर देखी लास्ट वीक। अब एशियन मार्केट्स की बात करूँ तो एशियन मार्केट्स में जहाँ एक तरफ चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट में हम लोगों ने एक 2.38% की तेजी देखी, वहीं जापान के निके में 0.2% की एक गिरावट रही। इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो निफ्टी में एक मामूली सी 0.35% की बढ़त देखी गई। BSE सेंसेक्स जो है वो फ्लैट रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में एक करीब 2% की हम लोगों ने गिरावट देखी लास्ट वीक। इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, इन सब में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला लास्ट वीक। और यदि इंडिया विक्स की बात करें, जैसे CBOE विक्स US में है, वैसे इंडिया विक्स जो इंडिया का फियर इंडिकेटर है, वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, वो करीब 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो एक नॉर्मल साइन ही है, तो वो एक अच्छी बात है। इंडियन डेटा फ्रंट पे बात करूँ तो S&P जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी है, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनका ये कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की इकॉनमी 9% श्रिंक यानी घट सकती है। इसके अलावा टोटल जो टैक्स कलेक्शंस हैं टिल 15 सितंबर, उनमें 22.5% की गिरावट देखी गई है ईयर ऑन ईयर, जो ये कोरोना पैंडेमिक के कारण जिस तरह से इंडस्ट्रीज इफेक्टेड हुए हैं, तो टैक्स कलेक्शंस भी जो रहा है गवर्नमेंट का, उसमें भी एक भारी गिरावट देखने को मिली है। अब कुछ की ग्लोबल इवेंट्स जो लास्ट वीक हुए हैं उन पे बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले US फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, तो US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं नियर टू ज़ीरो टिल 2023 तक रह सकता है US में। तो ये काफ़ी बड़ी बात उन्होंने कही। इसके अलावा लेकिन कोई फ्रेश फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज की बात जो है वो उन्होंने नहीं कही, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में US की जो इकॉनमी है उसमें 3.7% की डी ग्रोथ, मतलब श्रिंकेज देखी जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन देखी जाएगी, लेकिन 2021 में US इकॉनमी में करीब 4% की ग्रोथ देखी जा सकती है, ऐसा US फेडरल रिजर्व का कहना था। सेकेंडली, US का जो प्रपोज्ड स्टिमुलस पैकेज है वो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके असहमति के कारण वो पैकेज अटका पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो पैकेज में अग्रीमेंट है वो सितंबर में आना ज़रूरी है। तो इस पे भी काफ़ी जो मार्केट्स जो हैं वो कंसर्न्ड हैं फिलहाल। US मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडिकेटर जो काफ़ी पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट है, वो सिंस मार्च 2020 हाईएस्ट लेवल पे आया करीब 78.9। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि US जो कंज्यूमर है उनका सेंटिमेंट्स जो है वो अब पॉजिटिव हुआ है, तो ये एक अच्छी बात रही। इसीलिए जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उनका ये कहना था कि जो ग्लोबल इकॉनमी है वो COVID-19 के कारण 2020 में 4.5% की ओवरऑल श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन देखी जाएगी, लेकिन 2021 में ग्लोबल इकॉनमी में करीब 5% की ग्रोथ देखी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था लास्ट वीक। इसके अलावा चाइना का जो अगस्त इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5.6% बढ़ के आया, जो भी एक पॉजिटिव
साइन रहा मार्केट्स के लिए, तो उसका एक असर हम लोगों ने चाइनीज मार्केट्स पे भी देखा लास्ट वीक। साथ में यूरोजोन का जो सेंटिमेंट इंडिकेटर है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हाईएस्ट आया सिंस 2004, जो अगेन एक अच्छी बात रही। एक सरप्राइज एलिमेंट भी रहा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लास्ट वीक ये कहा कि वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये एक सरप्राइज था मार्केट्स के लिए। आगे देखना होगा कि इस पे बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करता है। इसके अलावा जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर सुगा हैं, उन्होंने जापान की जो है वो कमान संभाल ली है। यदि कोरोना वायरस की बात करूँ तो यूरोप में सेकेंड वेव ऑफ अटैक शुरू हुआ है, और यूरोप में पिछले हफ्ते जितने केसेस आए हैं वो मार्च के जिस वीक में सबसे ज़्यादा केसेस आए थे उससे ज़्यादा केसेस अभी इस हफ्ते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात है। अब कमोडिटीज़ की बात करूँ तो कमोडिटीज़ में पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर में एक मामूली सी बढ़त हम लोगों ने देखी, लेकिन दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में एक शानदार तेज़ी, करीब 10% की बढ़त हम लोगों ने क्रूड ऑयल में पिछले हफ्ते देखा। क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के कारण जो हैं वो तीन थे। एक तो ये रहा कि यूएस में अभी फ़िलहाल हरिकेन सीजन चल रहा है, तो यूएस के जो ऑफशोर प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और गैस है उसमें 25% की कटौती हुई है, तो जो सप्लाई है वो इफेक्टेड हुआ है, तो उससे क्रूड ऑयल को एक पॉजिटिव सपोर्ट मिला। दूसरा है कि जो वीकली यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा आता है वो घट के आया, तो उससे भी क्रूड ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट मिला। और तीसरा जो है कि ओपेक प्लस कंट्रीज की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग अक्टूबर में होने वाली है, तो इस खबर के कारण भी क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक तेजी हम लोगों ने देखी लास्ट वीक। रुपये की बात करूं तो रुपये अगेंस्ट डॉलर में हम लोगों ने एक मजबूती देखी, लेकिन इसके बावजूद रुपया जो है वो 72.50 और 74 के बीच में ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। यदि की मार्केट डेटा पॉइंट्स पे बात करूं तो लास्ट वीक FIIs की 1689 करोड़ की बाइंग देखी गई थी, वहीं DIIs की 2396 करोड़ की सेलिंग हम लोगों ने देखी लास्ट वीक। इसके अलावा जो एक ओपन इंटरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसे निफ्टी पुट कॉल रेशियो PCR कहते हैं, वो 1.28 फिलहाल है, तो अभी भी सिस्टम में पुट्स ज़्यादा है कॉल से, लेकिन यदि आप पिछले दो हफ्तों से देखेंगे तो ये जो रेशियो है वो घटता आ रहा है, तो ये भी एक सिग्नल है कि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। सेप्टेम्बर मंथली सीरीज की बात करूँ तो सेप्टेम्बर मंथली सीरीज में 12,000 के कॉल ऑप्शन में और 11,500 और 11,000 के पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखा जा रहा है, तो ये रेंज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस हफ्ते जो है वो मंथली एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी वोलेटिलिटी भी हमें देखने को मिल सकती है। सेक्टर्स की बात करूँ तो इस वीक निफ्टी फार्मा इंडेक्स वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग, उसमें करीब 8.9% की बढ़त हम लोगों ने देखी। वहीं जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा वो फाइनेंशियल सेक्टर रहा, और निफ्टी बैंक में हम लोगों ने 2% की गिरावट देखी लास्ट वीक। इस वीक जो की ग्लोबल इवेंट्स में US फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल और US ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये दोनों जो हैं वो US सेनेट और US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने पेश होंगे, और उनसे सवाल किए जाएंगे केयर्स एक्ट से रिलेटेड, और ये केयर्स एक्ट जो है वो $2.2 trillion का जो करोना वायरस से फाइट करने के लिए जो फाइनेंशियल पैकेज है वो उससे रिलेटेड है, तो इस पे भी मार्केट की जो है वो नज़र रहेगी। इसके अलावा US, UK, यूरोजोन और जापान का PMI सर्वे डेटा, ये जो PMI सर्वे डेटा है ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है जो ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताता है, और साथ में चाइना का मॉनेटरी पॉलिसी डे, ये जो है इवेंट्स इस हफ्ते होंगे जिनका असर भी मार्केट्स पे हमें देखने को मिलेगा। तो अगले हफ्ते जो है ग्लोबल क्यूज़, इसके अलावा जो कोरोना वायरस के जो नए केसेस फैल रहे हैं पूरी दुनिया में और जो मेजर ग्लोबल इवेंट्स हैं उन सब पे इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी। लास्ट वीक हम लोगों ने डोमेस्टिक मार्केट्स में एक साइडवेज ट्रेंड देखा, और यदि टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो जो मेजर इंडाइसेस हैं चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स, वो कहीं ना कहीं एक फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो रेंज निफ्टी का है वो 11,200 से 11,800 का है, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रेंज हो जाता है, और इस वीक जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंथली एक्सपायरी है तो हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी इस वीक। और यदि निफ्टी 11,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो 11,750-11,800 तक निफ्टी जा सकता है, और 11,200 के नीचे यदि निफ्टी में सेलिंग आती है तो वो 11,000 का नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो निफ्टी के लिए देखा जा रहा है।
बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट वो 21,400 पर है और उसके नीचे 19,800 पर है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 23,050 और उसके ऊपर 24,200 पर है। तो मार्केट्स में ओवरऑल एक्सपायरी के कारण, मंथली एक्सपायरी के कारण इस वीक वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं, और यदि आप और सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।